अपॉन अमाउंट, और रेशियो ले लेता हूं अगर मैं, इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एजी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। यहां से ना सीबीएसई का तो नहीं पर नीट और जेई के सवाल बहुत बनते हैं बाबू यहां से, तो ध्यान रख लेना एन फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है यहां पे, ठीक है प्लीज। अच्छा अब ये फॉर्मूला कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ध्यान से देखना कुछ नहीं करा हुआ। पहले फॉर्मूले को एक और चीज देखो, पहला फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू क्या था, क्या था, Z को खोलो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 वाली फॉर्म में खोल लो ना, इंटू आई इंटू टी, ठीक है दो बार ले लो इसको, अरे जब सीरीज में कनेक्ट करोगे तो आईटी से आईटी कट गया, 9650 से 9650 कट गया, कुछ नहीं है, सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट ऑफ ए, अमाउंट ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों का रेशियो लेके बाबूजी ने बात कर ली। अरे फर्स्ट लॉ से आप इसे भी बता सकते हो प्लीज, तो कंफ्यूज मत होना कि सेकंड लॉ कोई बड़ी चीज नहीं है, सेकंड लॉ थोड़ा सा उसमें और अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करा कि अगर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ले लेते हो और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन लेने के बाद आप लोगों ने क्या करा, सीरीज में कनेक्ट करा, करंट सेम अमाउंट का ही जाएगा, सेम टाइम के लिए पास करा, तो रेशियो में अगर मैं बात करूं उसकी अमाउंट ज्यादा आएगी, उसकी अमाउंट ज्यादा आएगी जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा। ये फैराडे का सेकेंड लॉ है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ और फैराडे सेकेंड लॉ, जिसमें से प्रोबेबिलिटी क्या बनती है न्यूमेरिकल्स की, एक तो डेफिनेशन पूछ सकता है, फैराडे फर्स्ट लॉ फैराडे सेकेंड लॉ की फॉर्मूला पूछ सकता है, रिलेशन पूछ सकता है, W इज इक्वल टू जेड क्यू, जेड क्या है डिफाइन करो, जेड W इज इक्वल टू जेड आई टी, यहां पर सब कुछ आप एक रिलेशन की तरह लिख सकते हो इसको। फिर तीसरा वाला फॉर्म Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर इनटू फैराडे। और दूसरी चीज, अगर बहुत दूर तक अगर सीबीएसई ने अपना पेपर खींचने की कोशिश करी तो फैराडे का सेकंड लॉ होता है, वैसे फैराडे का सेकंड लॉ ज्यादा पूछा नहीं जाता। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी सी ही है, आज की आप लोगों की जो एनिवर्सरी सेशन की वीडियो है वो इतनी सी है। तो आज थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने बारे में, योगी की पाठशाला के बारे में। पहले तो आप सबको बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, अपने योगी सर को इतना प्यार दिया। जो लोग मेरे साथ पिछले 2-3 साल से जुड़े हुए हैं फ्रॉम डे वन, उन लोगों को सच में मेरा दिल से बहुत थैंक यू, आप लोगों का बहुत साथ है कि मेरा मैं इस मुकाम तक पहुंचा। एक इंस्टीट्यूट से 2 इंस्टीट्यूट हुए, पहला फरीदाबाद में और पहला गुड़गांव में ओपन हुआ था, आज ही के दिन 2018 में 4 अप्रैल 2018 को इसी टाइम पे हम लोगों ने योगी की पाठशाला शुरू करी थी। उसके बाद कुछ ही टाइम के बाद आप लोगों के सपोर्ट से वो चीज फरीदाबाद में भी आई, तो प्लीज आप लोगों को सच में बहुत धन्यवाद है। अब कुछ लोगों के सवाल आते हैं, कुछ पेरेंट्स के सवाल आते हैं, योगी सर आपका बैकग्राउंड क्या है। तो यार मैंने अपनी सारी जो भी अपनी एजुकेशन है वो डीयू से ली, उसके बाद मेरा जो मेन पर्पस था वो रिसर्च ओरिएंटेड था, ठीक है। आईआईटी जाम मेरा क्लियर है, रिसर्च ओरिएंटेड ये था कि यार मैंने बायोफ्यूल्स में अपनी थोड़ी सी रिसर्च की, अपना थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया है बायोफ्यूल्स में, बायोइथेनॉल और बायोडीजल में मेरा मेजर वर्क है। एक साल डीटीयू के साथ इंटर्न प्रोजेक्ट्स करे, एक साल अपना आईआईटी दिल्ली के साथ प्रोफेसर नायक है वहां पर उनके साथ काम करा, हमारी मेंटर डॉक्टर अपराजिता चौहान, इन सबको मैं बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आज उन्हीं की वजह से जो भी केमिस्ट्री मैंने अपनी ग्रेजुएशन में रिसर्च में इन सब जगह सीखी उसी को आज मैं अप्लाई कर पे, उसी की थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स सीखा के मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं। तो सच में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद 2 साल पूरे कराने के लिए, ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा, धन्यवाद थैंक यू। और प्लीज घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बाहर ना निकलिए जब तक ये लॉकडाउन है, धन्यवाद।